पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान वो बिहार विधानसभा शताब्दी समापन समारोह कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस अंदाज में लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे, वो न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बल्कि चर्चा का विषय भी बन गया। तेजस्वी यादव लिखा हुआ भाषण पढ़ते हुए भी बार बार अटक रहे थे। उनके भाषण के दौरान सबकी नजर उनके अटकने पर जा रही थी। लिखित भाषण पढ़ते हुए तेजस्वी यादव कई बार रुके और अटके। आइए सबसे पहले आपको उनका भाषण सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। जैसे तैसे भाषण तो खत्म हो गया। साथ ही जब कार्यक्रम का समापन हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत मंच पर मौजूद अन्य नेता पीएम नरेंद्र मोदी को विदा करने के लिए उनके साथ जा रहे थे, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को एक ऐसी सलाह दे दी जिसे सुनकर तेजस्वी यादव शर्म से लाल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को वजन कम करने की सलाह दी थी। मोदी की यह समझाइश सुनते ही तेजस्वी मुस्कुराते हुए उनके साथ ही चलने लगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से योगा करते हैं और देश को भी फिट रहने की सलाह देते हैं। यही सोचकर उन्होंने तेजस्वी यादव को भी वजन कम करने की सलाह दी थी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी एक समय पेशेवर क्रिकेटर हुआ करते थे, लेकिन सियासत में व्यस्तता के चलते उनका वजन अब बढ़ने लगा है। टीम खबर अपडेट।